Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। राधा, कुछ महीनों पहले तक ना, अगर लोग मुझसे कहते कि मैं आस्तिक बन जाऊंगा या भगवान से मेरा बिगड़ा रिश्ता ठीक हो जाएगा, या फिर गुनगुन मुझसे बात करने लगेगी, मुझे पापा भुलाएगी, या फिर ये कि मेरी लाइफ में मेरी सारी खुशियां वापस आ जाएगी ना, तो मुझे लगता था कि ये सब झूठ है। लेकिन जब से तुम आई हो ना, इतनी आसानी से मेरी जिंदगी में तुम ये सब कुछ ले आई। उसके लिए थैंक यू। ये अच्छा समय है, मोहन जी को दामिनी चिची के बारे में सब कुछ सच बता दे क्या? मोहन जी, हम कह रहे थे कि दामिनी चिची ना। हाँ पता है मुझे, दामिनी ने तुम्हारे साथ जो किया ना, उससे तुम्हें बहुत गुस्सा होगा। गुस्सा तो मुझे भी है, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि वो इसी क्यों करती है ये सब कुछ। अरे वो बहुत पुरानी दोस्त है मेरी, सालों से दोस्त है, बचपन से मेरी एक लौती दोस्त थी। पता है हम साथ में स्कूल जाते थे, साथ में कॉलेज जाते थे, फिर उसे मुझसे प्यार हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब कुछ। फिर मेरी तुलसी से शादी हो गई, मैंने अपनी एक नई दुनिया बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी दुनिया में फंसी रही। उसने सालों तक मेरा इंतजार किया। तुलसी के जाने के बाद उसने मुझे, माँ को, मेरे बिजनेस को संभाला है। देखो मैं जानता हूँ वो मूडी है, वो पोजेसिव है, मुझे लेकर तो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव है, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं है। मोहन जी के दिल में दामिनी जी के लिए जो विश्वास है, उसे हम ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। इसलिए जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा, हम मोहन जी से कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा निकाह खुदा की मर्जी या मर्द की खुदगर्जी, रब से है दुआ। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। वहीं रुक जाओ मोहन। मौत के साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़के घर वापस आए, इतनी सारी बच्चों की जान बचाई है तुमने मोहन। सारे शहर में तुम्हारी बहादुरी के इतने सारे चर्चे हैं, कहीं नजर न लग जाए। इस राधा ने मोहन को सब बता तो नहीं दिया? बच्चों की जान किसी और ने बचाई तो बहादुरी के चर्चे भी उसके होनी चाहिए, और इस स्वागत की असली हकदार भी वही है। कौन? जिसने मेरी जान बचाई, वो जो लोगों को तकलीफ में देख कर ना, उसके खुद के आंख में आंसू आते हैं। वो जो तिरस्कार के बाद भी लोगों का भला करने से पीछे नहीं हटती, वो जिसके घर में होने से यकीन होता है, भरोसा होता है कि घर में कुछ बुरा नहीं होगा। जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाती, तब से वो इस घर में आई है ना, इस घर की मुसीबतों के सामने हमारी ढाल बनकर खड़ी रहती है वो।
भारती राधा की उतरनी चाहिए। मोहन बिल्कुल सही कहा मोहन भैया, आरती तो राधा रानी की होनी चाहिए। मोहन मौत से लड़के तुम वापस आए हो, राधा नहीं। सही सही बोल रही हो तुम, मौत से लड़कर मैं वापस आया, पर मुझे जिताया किसने? राधा ने। इस घर को हर बार टूटने से बचाया सवारा किसने? राधा ने ना। दुर्गा मां बनकर इसने हमारी रक्षा की, लक्ष्मी मां बनकर इस घर में सुख समृद्धि ले आई। बस सरस्वती मां के डिपार्टमेंट में थोड़ी पैदल है ये, पढ़ाई से जो भक्ति रहती है पढ़ाई करनी नहीं है। मोहन जी हाँ, इसे सबके सामने मजाक क्यों उड़ा रहे हैं हमारा? मजाक तो सबके सामने उतारा जाता है, मजाक मजाक होता है। वैसे एक और चीज है जो सबके सामने करनी। क्या? हमारे भगवान तो आप हैं। अब भगवान वाले सारे काम तो तुम करी हो ना, तो ये काम मुझे करने दो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।